पता करना है, जैसे ये बोर्ड आया हमारे पास नॉट चार्जिंग के कंडीशन में, तो हम कौन से वो टेस्टिंग पॉइंट हैं जिनको चेक करके ये क्लियर कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि बोर्ड चार्ज नहीं कर रहा होगा या नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम में है, तो वो कौन से मेन टेस्टिंग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जब आप प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेते हैं तो मल्टीमीटर की मदद से कैसे आइडेंटिफाई करें कि चार्जिंग रेगुलेटर वर्क करने लगा है, और DSO की मदद से कैसे कंफर्म करें कि चार्जिंग की जो SDA SCL का जो सिग्नल है वो फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। देखिए, हमने हमेशा एक बहुत ही कॉमन पॉइंट्स बताया है कि अगर आपको बैटरी चार्जिंग सेक्शन चेक करना होता है तो बैटरी कनेक्टर के तीन पिनों पे एटलीस्ट 3.3 होता है। पहली पॉइंट ध्यान देना होता है कि बैटरी कनेक्टर के तीन पिनों पे 3.3 बनना चाहिए। चलो पहला कंडीशन ये चेक करता हूँ, क्या तीन पिनों पे 3.3 बन रहा है या नहीं बन रहा है। बोर्ड ऑन हो गया, देखें यहाँ पे लाइट भी ग्लो कर रहा है। अभी ऑफ हो या ऑन हो, किसी भी कंडीशन में आपका तीन पिनों पे 3.3 बनना चाहिए। और जनरली ये कॉमर्शियल सीरीज है डेल का, तो दो से तीन बार ये रिस्टार्ट होता है बफर सेट करने के लिए, उसके बाद कंटिन्यूस चलता है। खैर उसके लिए छोड़िए, हमें यहाँ पे ये चेक कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन। पहले तो ये देखूँगा कि इन तीन पिनों पे कि बैटरी कनेक्टर के कम से कम तीन पिनों पे 3.3 आना चाहिए, बीच की पिनों पे, या उससे पहले ये कंफर्म कर लो कि कौन सी पॉजिटिव की पिन है कौन सी नेगेटिव की। मल्टीमीटर को आप डीप रेंज में लगा लो, और ये जो होल्स है ना, ये जो होल्स बने हुए ये सारे क्या होते हैं, ग्राउंड होते हैं। अब कोई ना कोई दो पिने इधर साइड से, इस साइड की और इस साइड की नहीं बीप करी, तो ये दो साइड के पिने क्या हो गई, ग्राउंड हो गई। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, इसमें पॉजिटिव सप्लाई की पिन अगर कंफर्मेशन करना होता है कई बार, तो यहाँ पे है ये दो पिने एक साथ आपस में इस ट्रैक पे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो यही दो पिने ऐसी होंगी जो मेन पॉजिटिव की होंगी। अब एक चीज़ ये पहले चेक कर लो कि बैटरी की पावर अभी बाहर की कंडीशन में कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है जब आप इसको लगाते हैं तो बैटरी की पावर मदरबोर्ड में क्या हो जाती है, चली जाती है, और जो चार्जिंग कॉयल होती है, चार्जिंग कॉयल पे बैटरी की पावर शो कर रही होती है, और कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है लोगों को कि नहीं बैटरी चार्ज हो रही है। हमेशा ये याद रखिए कि अगर बैटरी की पावर 11 वोल्ट है तो इधर से लगभग 1 वोल्ट ज़्यादा 12 वोल्ट जनरेट होगा, तभी 11 वोल्ट की जो बाहर सप्लाई निकल रही है उसको धक्का दे के अंदर की तरफ पुश करके बैटरी के अंदर स्टोर करेंगे। देख लो, दो अगर प्रॉपर प्रेशर सेम ताकत के दो पहलवान है तो आपस एक जगह स्टैंड रहेंगे, लेकिन एक बलवान होता है एक थोड़ा कमजोर, तो उसको पीछे की तरफ धक्का दे सकता है और उसको बिठा देगा या जो भी है। ऐसे ही है इधर की चार्जिंग रेगुलेटर सप्लाई जब ज़्यादा बने गई, तभी इसकी 12 वोल्ट को जिस पॉइंट से एक्चुअल में होता क्या, जिस पॉइंट से निकलता है उसी पॉइंट से चार्ज भी होता है, ठीक है, तो उस अब उसी पे जिस साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा और जिस साइड का प्रेशर लो होगा, तो लो वाले को पीछे की तरफ धक्का देके ले जाके अंदर वापस सेल के अंदर स्टोर करने लगेगा। ये बात हुई, तो यहाँ पहले अब बाहर ही बैटरी के पावर को कन्फर्म करें, बैटरी में पावर कितना आ रहा है। इस बैटरी की पावर में चेक करने की कोशिश करता हूँ कि बैटरी में कितनी पावर आ रही है। मेरा प्रॉब जो है थोड़ा सा इस पे रखता हूँ, मेरी प्रॉब क्या है बाहर तक नहीं है, इसलिए अगर ऐसे नहीं चेक कर पा रहे हैं तो लगा देते हैं, हाँ यहीं पे लगा दीजिए बैटरी को, और इस पे क्या है कनेक्ट मत करिए, ये भी एक आसान तरीका है कि यही कनेक्ट कर लीजिए,
मेरे मल्टीमीटर का प्रॉप काफ़ी मोटा हो गया, इसलिए उसमें क्या हो रहा है लग नहीं पा रहा। अब मैं यहाँ पिनों पे चेक कर सकता हूँ, इस साइड का निगेटिव था, निगेटिव के साथ इस पॉजिटिव पे कितना पिन आ रहा है, 10.6 वोल्ट। कितना आ रहा है? 10.6 वोल्ट। ये जो पावर है बैटरी की पावर है, इसको मैंने दोबारा अनप्लग कर लिया। अब मैंने बोला है सबसे इसके बाद मुझे सेकंड स्टेप ये देखना कि एटलीस्ट तीन पिनों पे 3.3 मिलना चाहिए। चलो देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे लगाया मैंने और चेक करना, ये दो निगेटिव हो गया, इसके बाद छोड़ा, इस पिन पे नहीं आ रहा है, उसके जस्ट बाजू वाले पे भी नहीं आ रहा है, फिर देख रहा हूँ एक पिन पे आ रहा है, दो पिन पे आ रहा है, तीन पिन पे आ रहा है, और ये दो पॉजिटिव का है। कई बार क्या होता है, इस दो पॉजिटिव के पिन पे 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या कई बार 3.75 वोल्ट इधर 3.4 वोल्ट आता है, तो जनरली इस पिन को भी लोग काउंट कर लेते हैं कि भाई दो पिन पे इधर आ रहा है, एक किसी और पे भी आ गया, बस मामला ओके है। ऐसा नहीं, पॉजिटिव की दो पिनों को काउंट नहीं करना है, पॉजिटिव की दो पिनें और निगेटिव की दो पिनों के बीच में तीन पिनें हमें चाहिए। एक होता है SDA, एक पिन होती है SCL और एक पिन बैटरी प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन IO को देने वाली पिन होती है। गेट इट? तो तीन पिनों पे 3.3 चाहिए, हमें तीन पिनों पे 3.3 चाहिए। दो दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ, अभी तक मामला ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ, या जो ही आप बैटरी लगाएंगे क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे तो इन तीन पिनों में से एक पिन की 3.3 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप हो जानी चाहिए, या तो जीरो हो जाएगी ठीक है, या तो 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट रह जाएगी। वो बैटरी ड्रॉप होने का, यानी वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप होने का मतलब ये होता है IO ये सेंस कर लेती है कि बैटरी प्रेजेंट है। क्या है? क्योंकि वो पिन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है IO से। IO की पिन पे 3.3 जब तक बना रहेगा तब तक IO को पता चलेगा कि बैटरी लगी नहीं। और जो ही बैटरी लगाएंगे वो 3.3 ड्रॉप हो जानी चाहिए। जो ही ड्रॉप होती है तो IO को पता चल जाता है कि बैटरी लग रही है, प्रेजेंट हो गई, आ गई, बैटरी लग चुकी, तभी वो सप्लाई क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। वही तीनों में से कोई एक पिन होगी सर, तीनों में से एक पिन पे ठीक है। चलिए यहाँ की दो पिनें छोड़ के बाकी जो तीन, इस पे 1, 2, 3, इन तीनों पे 3.3 आ रही है। अब देखता हूँ राइट साइड से दो पिनें पॉजिटिव है और राइट साइड से कंटिन्यूअस तीन पिनों पे 3.3 आ रही है। कौन सा पिन? अब मैं बैटरी लगा रहा हूँ इस पे और देखता हूँ कि कौन सी पिन का ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होना चाहिए अगर बैटरी चार्जिंग इनेबल हो गया, बैटरी प्रेजेंट का सिग्नल IO को मिलेगा। अगर ये ड्रॉप नहीं होगा तो मैसेज आएगा बैटरी नॉट फाउंड, बैटरी नॉट प्रेजेंट, इस तरह का एरर होता है। चलो अब देखता हूँ, पहला दूसरा छोड़ के ये तीसरे नंबर पे आ रहा था, अभी भी आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा था और अभी भी आ रहा है, पांचवे नंबर पे आ रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, 0 वोल्ट हो गया, मतलब बैटरी लग चुकी है, ये बात पता चल गई किसको, IO को ठीक है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे एम्पियर जितना ट्रिगर होने पे चालू पे था उतना ही है, यानी चार्जिंग का लोड नहीं लिया। एक तो वो डीसी पावर सप्लाई भी बता दे रही है कि चार्जिंग का लोड नहीं लिया। गेट इट? आप अगर देखिए, मैं इसको निकाल भी रहा हूँ तब भी उतना ही लोड है, और जब मैं लगा रहा हूँ तब भी उतना, तब भी उतना ही लोड है ठीक है। मतलब ये है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। HDSCL या तो अब चार्ज ना होने का, या तो इसमें कहीं प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि मेरा प्रॉपर एडाप्टर ही ना ओके हो ठीक है। खैर अब नेक्स्ट मैं ये चेक करूंगा क्या रेगुलेटर इनेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जो बैटरी की पावर 10.6 थी उससे ज्यादा आ रही है, 10.6 से बहुत ज्यादा नहीं, आप देखिए 11 बस आ रहा है, कितना आ रहा है, केवल 11, कम से कम ये बैटरी को चार्ज करने के लिए। एक बैटरी है 11.1 वोल्ट की, तो यानी 12 वोल्ट या 12.2 वोल्ट ऐसे आना चाहिए। दूसरा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि नहीं, बैटरी पे तो 11.6 था, अरे 10.6 था, अभी 11.6 वोल्ट आ रहा है। तो हमने ये बताया है कि अब हम ये जानना चाहते हैं क्या रेगुलेटर इसका एक्टिवेट हुआ, कि
क्या इसका रेगुलेटर ऑन हुआ है या नहीं हुआ, ये जानकारी के लिए एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है। एक तो आपको पता है अगर आपके पास डीएसओ है तो चार्जिंग रेगुलेटर के एक साइड पे जो कॉयल है आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दूसरे साइड क्या मिलेगा केवल डीसी मिलेगा, एक पहचान तो ये। दूसरा जो बूस्ट कैपेसिटर होता है, बूस्ट कैपेसिटर पे, अब जैसे ये 11 वोल्ट की बैटरी है, 11 वोल्ट यहाँ पे आ ही रहा है और अगर इसको चार्ज करना है तो 6 वोल्ट की एलडीओ चार्जिंग सप्लाई पे 6 वोल्ट एलडीओ आती है तो 11 6 17 वोल्ट बूस्ट कैपेसिटर पे आना चाहिए। अब चार्जिंग आईसी ये दिख रही है, बूस्ट कैपेसिटर जनरली 2R2 के सीरीज में लगा होता है, यहाँ पे 2R2 का एक रजिस्टर लगा हुआ है, देख रहा हूँ कि इसके दोनों ही पॉइंट पे वही सप्लाई है 10.85 वोल्ट और इसके जस्ट सीरीज में जुड़ा ये कैपेसिटर है, सेम सप्लाई मिल रही है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ही लगभग आपकी सेम सप्लाई मिल रही है। और मेरे हिसाब से इस कैपेसिटर पे अगर ये रेगुलेटर इनेबल होगा तो 11 और 6 17 वोल्ट बन जाना चाहिए। मल्टीमीटर से ही क्लेरिफाई कर लूंगा मैं कि हाँ रेगुलेटर इनेबल हुआ या नहीं हुआ। बूस्ट का कोई भी रेगुलेटर, आपको रेगुलेटर का सेक्शन पढ़ाया हमने कि जो बूस्ट लाइन होती है उस पे जितना वोल्ट आउटपुट चाहिए आपको और एलडीओ 6 वोल्ट या एलडीओ जो डायोड लगा होता है बूस्ट का लाइन में, अगर उस पे 5 वोल्ट जोड़ना है, अब मान लो 3 वोल्ट निकालना है ना तो 5 और 3 कितना हो गया 8 वोल्ट, बूस्ट कैपेसिटर पे लगभग 8 वोल्ट निकलेगा। 10 वोल्ट जनरेट कराना है तो 5 और 5 10 वोल्ट हो गया, अच्छा ठीक है, या 6 और 5 10 वोल्ट हो गया 11 वोल्ट, ठीक है। अगर मान लो 1.05 है तो 5 + 1.05 6.05 वोल्ट बूस्ट कैपेसिटर पे लगभग मिलेगा। एक ये प्रैक्टिकली अनुमान है, एक आइडिया लगाने के लिए एजम्पशंस है, क्या है एक एजम्पशन, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं मल्टीमीटर। देखिए अभी मैं ये कह रहा हूँ मल्टीमीटर से ही चेक करके बता रहा हूँ कि नहीं ये बूस्ट कैपेसिटर पे इसकी 10.85 सप्लाई बन रही है, ये चार्ज नहीं कर रहा है, यानी कि इसका रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम को जैसे हमने रिजॉल्व करके जो भी है सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है, यहाँ पे दीजिए ये रहा वायर, बस देखिए इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, अब दोबारा बूस्ट कैपेसिटर पे मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए कितना वोल्ट आने लगा 17, यानी कि इससे मैं ये चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि नहीं अब चार्जिंग रेगुलेटर एक्टिवेट हो चुका होगा और जो सप्लाई जा रही थी 11 वोल्ट अब देखिए 12.2 वोल्ट आ रही है। यस सर, दिखा आपको डिफरेंस, दिखा आपको सर उसका जो डायोड था उसमें प्रॉब्लम था या उस कैपेसिटर में था जहाँ पे बूस्ट अच्छा था, वो एक अलग बात है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी आपको डिफरेंस है, मैं आपको इस सेशन में क्या बताना चाह रहा हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि रेगुलेटर चार्जिंग सेक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको मल्टीमीटर से कैसे आइडेंटिफाई करें। तो डिफरेंसेस बता रहा हूँ, क्या खराब की कंडीशन में क्या होगा और ओके की कंडीशन में क्या होना चाहिए, और ओके की कंडीशन के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं हो रहा होता तो उसी का फॉर्मेशन करते हैं हम, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर था यहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा था, 11 वोल्ट बन रहा था। अब देखिए जो ही अब ये चार्जिंग, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं रेगुलेटर की पावर जनरेट हो रही है, देखिए 12 वोल्ट आ गया, जनरल 12.4 वोल्ट या 12.8 वोल्ट से फास्ट चार्ज होता है, 12.4 से नॉर्मल चार्जिंग होता है। बैटरी चार्जिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसका एक अलग सीन है, लेकिन फिलहाल ये समझ में आया, ठीक है। अब ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है, बैटरी चार्ज भी हो, अब सर एम्पीयर ज्यादा लेगा तो वहाँ पे अभी हमने उससे नहीं लगाया, डीसी पावर सप्लाई से नहीं लगा रखा है, हमने एडाप्टर से लगाया है, कमर्शियल सीरीज है इसी से रन कर, ठीक है, या हमारा जो सेंसर है उसमें सेंसर भी नहीं काम कर रहा है, जो भी बात समझ आया, डिफरेंस समझ में आया क्या चीज है बूस्ट लाइन। और अगर आपके पास डीएसओ है, ठीक है डीएसओ है तो आप देखिए डीएसओ से बूस्ट कैपेसिटर के ऊपर फ्रीक्वेंसी एक साइड आपको देखिए फ्रीक्वेंसी मिल रही है, दिख रहा है फ्रीक्वेंसी,
दोनों ही साइड इसमें फ्रीक्वेंसी है, यही फ्रीक्वेंसी आके कॉइल पे कनेक्ट होती है, ठीक है, और जो स्विचिंग सप्लाई बनती है उसको कंटिन्यूअस बूस्ट करके डिचार्जिंग सप्लाई बनाने में मदद करती है, ठीक है। ये जनरेट होना चाहिए, ये जनरेट होगा, अगर नहीं, अगर चार्ज नहीं कर रहा होगा उस कंडीशन में, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या स्टेटस है। इस समय नॉट चार्जिंग कंडीशन में आ गया, दोबारा देखिए केवल पावर अप हो रहा है, इसको 10 वोल्ट पे कर लेता हूँ, 5 तो अब देखिए केवल पावर अप हुआ, सप्लाई एकदम प्लेन सप्लाई बन रही है, और जो भी हमारा चार्जिंग की कंडीशन आएगा, ये देखिए सप्लाई तो बढ़ेगी साथ के साथ क्या बढ़ेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गया, ठीक है। ये बूस्ट कैपेसिटर है, इसी बूस्ट कैपेसिटर का एक अभी आपको देखिए प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने डेल लैटिट्यूड 74-40 में, क्या था बूस्ट कैपेसिटर और 19 वोल्ट और साथ के साथ रजिस्टर, दोनों सारी चीजें आपको शॉर्ट चार्जिंग सेक्शन का पूरा ट्रैक ही जला हुआ था, उसको हमने क्या किया कैपेसिटर को फ्लैट प्लेस करने की जगह नहीं थी तो उसको सीधे खड़ा लगा दिया, और उसका कैपेसिटर का आउटपुट एक साइड का सिरा दूसरे रजिस्टर के सीरीज में जोड़ दिया, फिर वो सिरा रजिस्टर का वो काम करने लगा। सुने अगर ये कैपेसिटर एक कैपेसिटर यहाँ से हटा दूं तब भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, अगर कैपेसिटर यहाँ से हटा दी जाए, ठीक है, या ये कैपेसिटर बूस्ट कैपेसिटर अगर मैं हटा दूं, कौन वाली सर बूस्ट कैपेसिटर, एक रेगुलेटर के अंदर बूस्ट कैपेसिटर बूस्ट रेजिस्टर होता है, ये केवल एक बैटरी की पावर है सर, केवल एक कैपेसिटर की वजह से, किस वजह से कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर दोबारा मैं वहां पे लगा रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, कंडीशन चेंज देखिए, बूस्ट कैपेसिटर की इतना, चाहे कोई रेगुलेटर हो, किसी भी रेगुलेटर को ऑन करने में अहम भूमिका निभाता है ये बूस्ट कैपेसिटर। मल्टीमीटर से आप चेक करोगे, छोड़ दिया 17, मल्टीमीटर से चेक करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रेगुलेटर इनेबल हुआ या नहीं हुआ। 7, अब DSO से चेक करने के लिए आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ेगी, एक तो बूस्ट कैपेसिटर के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि नहीं, कितने वोल्ट का अब चार्ज, ठीक है।
रहे हैं, सेम सिचुएशन इधर भी है। और दूसरा SDA और SCL जो दो पिनों पे 3.3 वोल्ट आ रहा था, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी भी मिलनी चाहिए। देखिए ये है, दिख रहा है आपको, इसको मैं करता हूँ दो। अब देखिए इसमें फ्लक्चुएशन आया, दिख रहा है ना, बन रहा है। और सेम दूसरी वाली पिन उसमें भी 3.3 वोल्ट के साथ देखिए ये बन रहा है डाटा। अब ये बैटरी चार्ज हो रही है, यानी कि इसका चार्जिंग सेक्शन इस समय ओके। क्लाइंट की इसमें एक प्रॉब्लम था ये कि बैटरी लगाते ही लैपटॉप ऑन हो जाता है, बैटरी लगाते ही लैपटॉप क्या हो रहा था, ऑन। लेकिन अभी बैटरी लगाते ही ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी लैपटॉप ऑन नहीं हुआ क्योंकि कोई सप्लाई। किस कारण में ऑन हो रहा था? सी सेक्शन में प्रॉब्लम ओके। सो गाइस वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।